राधे राधे। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आज पंचम दिवस की बेला में राधारानी परिवार यहां पर आरती के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। राधारानी परिवार की ओर से उनका परिवार जो है वो यहां पर आरती के लिए विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा कि आप आरती के लिए मंच पर सभी तैयार हो जाइए। कविता परिवार मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। कविता परिवार आइए तो हम चलते। कविता परिवार आरती। जयति गजानन गणपति गणनायकी गणधीश श्याम कथा के रस कमल जेते कपीस कपीस आरति अति पावन पुराण की आरति अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान खान की महापुराने भागवत निर्मले महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलिता निगम कल्प फल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारति रस रस निधान की लीलारति रस रस निधान की आरति अति पावन पुराण की आरति अति पावन पुराण की कलिमल मथने त्रिताप निवारने कलिमल मथने त्रिताप निवारने जन्म मृत्युमय भव भय हारने जन्म मृत्युमय भव भय हारने सेवत सतत सकल सुख कारिने सेवत सतत सकल सुख कारिने शुभ औषधि हरि चरित गान की शुभ औषधि हरि चरित गान की आरति अति पावन पुराण की आरति अति पावन पुराण की विषय विलासी विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी शुभ औषधि हरि चरित गान की औषधि हरि चरित गान की आरति अति पावन पुराण की आरति अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान गान की धर्म भक्ति भी ज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण ओम प्राण प्रसन्नमाय नमः आराध्यम समर्पयामि पुष्पै देवा वंदना जलेन शीतलीकरण हरिः ॐ माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि
देवादद्यात्वं गृहीत्वास्तौ प्रक्षाल्य अञ्जलिं पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जले नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर कृपाप्रसोत्तमाय नमः चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान के वृंदावन बिहारे लाल के परम पूज्य व्यासी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के गिरिराज धरण के हनुमान जी महाराज के गौ माता के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय श्री राधे राधे बैठ जाइए सभी परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए आदरणीय प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव जी को वंदन करते हुए आज हम पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। ज्योतिषाचार्य स्वर्गीय पंडित श्री राम स्वरूप जी भार्गव सीताराम जी इनकी पुण्य स्मृति में राधा रानी भार्गव धर्मपत्नी इनके द्वारा इस गौ महोत्सव एवं गौ सेवा तथा गौ हॉस्पिटल के लिए भागवत कथा रखी गई है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तथा टीवी चैनल से साधना चैनल से देखने वाले सभी भक्तों को गुरुदेव जी का आशीर्वाद एवं मेरा नमस्कार। जन कल्याण हेतु एवं राष्ट्र कल्याण हेतु गुरुदेव जी ने बीड़ा उठाया है और अखंड यह कार्य गुरुदेव जी करते आ रहे हैं। सभी भक्तों का किस प्रकार भला होगा इसके लिए गुरुदेव जी ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील हैं और इसीलिए कहते हैं कि अग्नि देवानाम मुखम, भगवान का मुख अग्नि है, इसलिए आप सभी रोज यज्ञ करना चाहिए। महाराष्ट्र में गुरुदेव जी का आश्रम है, वहां पर द्विकाल यज्ञ चलता है, एक सुबह यज्ञ चलता है और एक शाम को यज्ञ चलता है। इस प्रकार महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसे आश्रम होंगे कि वहां पर दो होम चलते हैं, एक ही गुरुदेव जी का आश्रम है जहां पर दो बार होम किया जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने अपने घर में होम कर अपना वातावरण शुद्ध करने का कष्ट करेंगे। गुरुदेव जी ने आपके लिए एक नित्य कर्म पूजा पद्धति बनाई है। इस किताब में आप यज्ञ किस प्रकार करेंगे इसके बारे में जानकारी दी है। पंच महायज्ञ होते हैं तो पांच महायज्ञ किस प्रकार के होते हैं यह इस किताब में बताया गया है और यह किताब आप खरीद सकते हैं और आप घर में भी होम कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के मंत्र दिए गए हैं, जो मंत्र करके आप इसमें और अपने घर में होम कर सकते हैं और अपना घर का वातावरण भी शुद्ध कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि गुरुदेव जी इस आश्रम में आजीवन सदस्यता ग्रहण करने हेतु आपसे निवेदन करूंगा कि आप आजीवन सदस्यता ग्रहण कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावे। उसकी राशि रखी गई है ग्यारह हजार रुपए राशि देकर आप आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ गौ सेवा का प्रकल्प है, उसे भी आप दान देकर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। उसी के साथ वृद्ध माता पिता की सेवा हेतु भी आप दान दे सकते हैं। कुछ भक्तों के दान आए हैं वो इस प्रकार है। वृद्धाश्रम हेतु यहां पर नेहा बंसल रोहिणी दिल्ली इनकी ओर से 25,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत साधुवाद। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारकर गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नेहा बंसल रोहिणी तथा बहुत से गौ भक्तों ने गोदान किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। 1100 रुपए रंजना महाजन दिल्ली, 1100 रुपए मनोज गुप्ता परिवार दिल्ली, 5001 लीलावती वर्मा मंडावती दिल्ली इनकी ओर से प्राप्त हुए हैं तथा 1100 रुपए आत्माराम
नीलू का विनय मीठापुर बंदरपुर इनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 3100 रुपए गोपाल शर्मा कोसी कला फरीदाबाद इनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। गुट्टी बानू प्रधान गुट्टी बाबू प्रधान जी भरतपुर से 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बाबूलाल जी द्वारका इनकी ओर से 11000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। आपसे भी निवेदन है कि आपके पुत्र नरेश बाबूलाल जी द्वारका आप अभी मंच पर पधारकर गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इनकी ओर से 11000 रुपए राशि प्राप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत सम्मान। 2100 रुपए कविता कश्यप इनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। गोदान के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तथा अमरनाथ जी शाहदरा दिल्ली इनकी ओर से 11000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर पधारकर गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अमरनाथ जी शाहदरा दिल्ली। उसके बाद बहादुर सिंह पटवाल फरीदाबाद दिल्ली इनकी ओर से 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं। रोहित गुप्ता दिल्ली 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं। शुभप्पन प्रतापनगर यूपी प्रतापगढ़ इनकी ओर से 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं। नलिनी देवी हैदराबाद इनकी ओर से 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं। रीता प्रधान कानपुर दिल्ली इनकी ओर से 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं। और 1100 रुपए देशराज नरेश दिल्ली इनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार इन भक्तों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत सम्मान करते हैं। जो भक्तगण गोदान करना चाहते हैं, वृद्ध माता पिता हेतु दान देना चाहते हैं, वहां बाहर स्टॉल पर आश्रम के विद्यार्थी बैठे हैं, वहां पर दान देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज राधा रानी परिवार को धन्यवाद देते हुए हम पंचम दिवस में चलते हैं। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए। युग प्रवर्त क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत अनंत श्री भूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर धर्म सम्राट यज्ञ पीठाधीश्वर विद्यावाचस्पति महंत स्वामी श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की राधा रानी की गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। सूरजमल जी गोयल 1100 रुपए गोदान हेतु प्राप्त हुए। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं एक दो शब्द के लिए राधा रानी इनको आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आपसे दो शब्द कहना चाहते हैं। आदरणीय राधा रानी जी। श्री सद्गुरु महाराज हमारे नगरी में आए हैं, आप सभी को दर्शन दिए हैं। वैसे आपको पता है कि 36 साल से तो मैंने नहीं देखा है सब महापुरुष, और हमारा सकरपुर क्या पूरी एरिया दूषित है, इसलिए भगवान माता रानी की कृपा हुई है कि हमारे बीच इतने बड़े महापुरुष का आप लोगों का दर्शन मिला। इन महान भावों का तो दर्शन टेलीविजन पर लोग देखते हैं, और हम लोगों की कितनी बड़ी भगवान ने कृपा करी है कि माँ ने इनको बुलाया है, और शायद सकरपुर का दुख अब दूर होने वाला है। हम चाहते हैं हमारे सद्गुरु महाराज जी जैसे अब आए हैं, इनको हर साल हम बुलाएं, और हमें आप सबका भी सहयोग चाहिए कि हमारे महान भाव यहाँ आते रहें और सबको कृतार्थ करते रहें। और इसमें कश्यप परिवार, मनोज लाला जी परिवार, शर्मा परिवार, मुझे तो माने इसकी पूरी ड्यूटी दे रखी है कि जो आप लोग देख ही रही हैं, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करे हमारे ऊपर कि ऐसे महान भावों को माँ ने बुलाया और हमको दर्शन दिया और आप सबने भी पाया। तो ये चाहते हैं हम कि सकरपुर जो दूषित है, सूरज की रोशनी की तरह ये चमकता रहे, और हर साल महाराज जी दर्शन देते रहें। और बीच में भी बुलाना चाह रहे हैं हम कि अधिक मास हो, आने वाला है जो मलमास बोलते हैं, अधिक मास पुरुषोत्तम मास, तो महाराज जी की भागवत एक बार और कराई जाए। युवा लड़के हमारे जो हैं धार्मिक रामलीला कमेटी के जो महाध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ये सब मिल करके हम इस महान भाव को फिर सादर आमंत्रित करेंगे, और आप सबका सहयोग भी चाहिए। अगर अपने परिवार को सुखी देखना चाहती हैं आप लोग, तो ये जानती हैं कि आदमी को तो इतना टाइम नहीं मिलता है, और पत्नी का धर्म होता है कि पति को
आदर सम्मान दें और आगे बढ़ाएं। तो आप ही लोग इनका सहयोग देकर के हम चाहते हैं हमेशा बुलाते रहें और इन महान भाव का दर्शन मिलता रहे। सारा हमारा ये क्षेत्रवासी जो भी हैं, हमारा ही परिवार, हमारे पंडित जी कहते थे कि राधे यही तुम्हारा परिवार है, ये जो पूरा शकरपुर है ये हमारा परिवार है। और मैं अपने परिवार से ही निवेदन कर रही हूं कि हमारी इस वाणी को जहां तक भी जा रही है, इस वाणी को सुन करके आप लोग इस पर जरा सा थोड़ा सा भी अनुभव करेंगे तो हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। शराब से दूषित है, बीड़ी सिगरेट, ये सब हम चाहते नहीं कि हमारा परिवार सुखी हो जाए, इन महान भाव के द्वारा ही हो सकता है। रासलीला करने वाले, भागवत करने वाले तो बहुत होते हैं, उनको कमाई चाहिए, पर हमारे महापुरुष जी को तो कुछ भी नहीं चाहिए, बाल ब्रह्मचारी है, ये तो दुनिया के लिए कर रहे हैं। जहां तक हो सके हमारे वहां पर्ची काटने वाले हैं गौदान के लिए, मैंने देखा है आश्रम में जाकर के, देख करके आई भी हूं, मैं दो बार गई हूं। आपको तो कुछ चाहिए नहीं, हाथ से पैसे नहीं छूते, पर वहां वृद्धाएं भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, 500 गैया हैं, तो उनके लिए चारा की भी जरूरत पड़ती है, भोजन वस्त्र की जरूरत पड़ती है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्कूल में हैं, इतने अच्छे बच्चे, इतनी अच्छी उनकी इंग्लिश, और क्या योगा से वो कर रहे थे, मैंने तो देख करके बिल्कुल कृतार्थ हो गई वहां। तो इसमें हमारे सकरपुर की एरिया के आदमी, पूरी दिल्ली से मैं ये निवेदन करती हूं कि इसमें जरूर शामिल हों और अपने जीवन को धन्य बनाएं, ये मेरा निवेदन है आप सभी से। बोल भागवत भगवान की जय, बोल सद्गुरु भगवान की जय। राधा रानी परिवार के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और चलते हैं अब गुरुदेव जी के चरण कमलों में। जय श्री राधे। सब लोग सीधे बैठे परमात्मा का चिंतन करते हुए चलें, शांत करें खुद को और अपनी प्रवृत्तियों को।